अभी यहाँ पे एक टेबल टॉप 30 kg के लिए, उसमें पैरामीटर सेट करने के लिए सबसे पहले स्केल को ऑफ कर दो, उसके बाद यहाँ पे मोड बटन है जो 2 नंबर पे है, उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखो और स्केल को ऑन करो। डिस्प्ले के ऊपर आपको पास लिख के आएगा, पास लिख के आने के बाद यहाँ पे टेयर बटन प्रेस करो, DSP 0 ऑन है, ऑटो 0 0, ये 0 का मीनिंग होता है कि आपका वेट स्टेबल, कितने टाइम के बाद स्टेबलिंग स्टेबलाइजेशन के लिए आपको इसका पैरामीटर आपको सेट करना होता है। अगर आपका वेट फ्लक्चुएट हो रहा है तो यहाँ पे आप 4.5 है, यहाँ पे 5.5, 6 ऐसा आप सेट कर सकते हो, जिसका आपका वेट एकदम स्टेबल रहेगा, 2-3 ग्राम भी फ्लक्चुएट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे टेयर बटन प्रेस करते रहो। नेक्स्ट सेटिंग में यहाँ पे डिजिटल पॉइंट है, वो यहाँ पे सेम ही रहेगा, यहाँ पे 3 डिजिट अपने केजीस के रहेंगे और 3 डिजिट ग्राम्स के रहेंगे। उसके बाद अगेन टेयर बटन प्रेस करो, यहाँ पे स्टेप्स रहेगा। ये स्केल का कैपेसिटी 30 kg है, 30 kg के लिए 10, 20 और 30, ये 3 रहेंगे कैपेसिटीज, और उसका एक्यूरेसी रहेगा 1 ग्राम, 2 ग्राम और 5 ग्राम्स। ये आपका लोड 1, ये 1 ग्राम का एक्यूरेसी रहेगा 10 kg तक। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटी फर्स्ट में 10 kg का कैपेसिटी, यहाँ पे अगर कैपेसिटी चेंज है तो आप यहाँ पे MR बटन की मदद से डिजिट शिफ्ट करो और M+ की मदद से डिजिट इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आपका फर्स्ट कैपेसिटी सेट हो गया। सेकंड कैपेसिटी सेट करने के लिए अगेन टेयर बटन प्रेस करो, यहाँ पे लोड 2 और 10 to 20 kg में 2 ग्राम का एक्यूरेसी सेट रहेगा। ये एक्यूरेसी अपन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये लोड सेल के ऊपर डिपेंड होता है। अगेन टेयर बटन प्रेस करो। उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड कैपेसिटी आएगा 20 kg का। उसके बाद थर्ड कैपेसिटी में 20 to 30 kg में 5 ग्राम्स का एक्यूरेसी सेट रहेगा। अगेन टेयर बटन प्रेस करो, ये आपका थर्ड कैपेसिटी रहेगा 30 kg का। उसके बाद अपने को डायरेक्ट लास्ट में कैलिब्रेशन का सेटिंग है, वहां पे टेयर बटन प्रेस करते जाना है। Cal 1 शो करेगा डिस्प्ले में, अगेन टेयर बटन प्रेस करो, डिस्प्ले पे Cal 0 आएगा, वहां पे काउंटिंग शो करेगा। कैलिब्रेशन करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड वेट लगेगा, जो कि मैं यहाँ पे अभी 2 kg का मेरा एक स्टैंडर्ड वेट है, वो मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर पुट कर रहा हूँ लोड आने के बाद। अगेन उसके बाद टेयर बटन प्रेस करो, जितना आपने वेट स्टैंडर्ड वेट यहाँ पे पुट किया है उतना यहाँ पे मैन्युअली पुट कर दो। अभी मैंने यहाँ पे 2 kg पुट किया है, तो मैं आपको 2 kg यहाँ पे पूरा 0 कर दो। M+ बटन की मदद से डिजिट इंक्रीज करो और MR बटन की मदद से डिजिट शिफ्ट करो। अभी मैंने यहाँ पे मैन्युअली 2 kg सेट कर दिया है। उसके बाद टेयर बटन प्रेस करो, अगर यहाँ पे काउंटिंग शो करेगा, अगेन टेयर बटन प्रेस करो, आपका कैलिब्रेशन हो गया।